तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है, मैदान ठंड से ठिठुर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके पड़े हैं। शिमला में बर्फ के साथ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण आवाजाही पर भी असर पड़ा। कई हाईवे बंद है क्योंकि बर्फ का वहां कब्जा है। पहाड़ों पर बर्फ का साइड इफेक्ट मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के शहर इस वक्त सर्दी के अपार बवंडर को झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सर्दी के खतरनाक झोंके अभी फिलहाल थमने नहीं वाले हैं। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं हम आपके सामने। पहाड़ों पर बर्फ और भारी सर्द उत्तर मैदान इलाके में देखने को मिल रहे हैं। चमोली, चंबा, शिमला, कुरुंग, कुमे, डोडा, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए बर्फबारी आपको नजर आ रही होगी। जहां तक नजर जाएगी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई से नजर आ रही है और इसी का असर कुछ ऐसा कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अभी लोग देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिन अभी और भारी होने वाले हैं। जिस तरीके के हालात बने हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी ठंड और बढ़ेगी। ये शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। लोगों की गाड़ियां, सड़क, वहां पर भी कई इंच मोटी परत बर्फ की जम चुकी है। कई जगहों से हटाने की कोशिश बर्फ को हो रही है। हालांकि जो सैलानी वहां पर इसी मौसम को देखने पहुंचे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त चिंता में हैं कि अब आखिरकार ये ठंड अब कब तक यहां बनी रहेगी। पेड़ों के ऊपर भी देखिए आप सफेद बर्फ नजर आ रही है और इसी का असर उत्तर भारत में जहां ठंड इतनी देखी जा रही है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली की तस्वीरें जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पसरी हुई नजर आ रही है। और इसका सीधे से मायना ये है कि ठंड अभी कुछ दिन और रहने वाली है। जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़कें इस वक्त बर्फ की चादर से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। यातायात कई जगहों पर ठप है। नेशनल हाईवे इस वक्त बर्फ गिर जाने की वजह से कई नेशनल हाईवे बंद हुए हैं।